अगर फ्रेंड्स आपके पास है रियलमी का 11 प्रो और आपको इस फोन के अंदर अपनी फोटो या वीडियो हाइड करना है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स ऑडियो वगैरह को आप हाइड करना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में अपनी फोटो एंड वीडियो को हाइड करते हैं। इस फोन में फोटो एंड वीडियो को हाइड करने के लिए जो फोन की गैलरी रहेगी वो आपको ओपन करनी होगी। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर तीन ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, फोटो, एल्बम एंड एक्सप्लोर। तीनों में से किसी पर आप एक बार टैप एंड होल्ड करके रखिए तो आपके सामने एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर नहीं बोला जा रहा है तो फ्रेंड्स आपने इस फोन में ऐप लॉक सेट किया तो आपको ऐप लॉक वाला ही यहां पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। किया नहीं किया तो सिंपल आप जब मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिए। इस तरह आपको सेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। अब यहां पे आपको 6 अंक का प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं। जिसके लिए यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर आपको क्लिक करना होगा। किस तरह का प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो पैटर्न वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अपना प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह आपको कुछ इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टीचर नेम पूछा जाता है तो यहाँ पे आप टीचर नेम डाल सकते हैं या फिर फॉर्मल नेम जो भी है, या फिर चाहे तो अपना नाम ही यहाँ पे आप डाल सकते हो। जिसके लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा। ये आपका प्राइवेसी सेफ जब काम आता है, जब आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, जब कभी आप यहाँ पे ऐप लॉक वगैरह लॉक भूलेंगे तो यहाँ पे इस नाम को डाल के आप रिकवर उसको कर पाएंगे। अब यहाँ प्लस के आइकन पर जाके उस फोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप हाइड करना चाहते हो। तो इस तरह से क्लिक करके, इस तरह से आप क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा। एक और तरीका रहता है हाइड करने का, जैसे कि आप एल्बम में है और आपको इस फोल्डर में से किसी फोटो को हाइड करना है तो उस फोल्डर में जाने के बाद उसके ऊपर आप टैप एंड होल्ड करके रखिए या फिर आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। या हाइड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका हाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोई भी वीडियो वगैरह या फोटो हो वो यहाँ आके आप सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। इसको देखने के लिए तीनों में से किसी पर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, आपका जो भी प्राइवेसी लॉक है वो आप डाल दीजिए, फिर हिडन फोटो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इनको अनहाइड करना है तो इसके ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा और यहाँ देखने को मिलेगा सेट एस पब्लिक। इस पर क्लिक करके उस प्राइवेसी फोल्डर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें इनको आप अनहाइड करना चाहते हो। तो इस तरह से आप इनको अनहाइड कर पाओगे। अगर किसी ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स को हाइड करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना होगा, प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखने को मिलेगा प्राइवेसी, इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपना प्राइवेसी लॉक डालना है, फिर आप अपने ऑडियो को हाइड कर सकोगे, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल को भी आप हाइड कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को हाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।